दोस्तों, इंसान के इस धरती पर जन्म लेने से पहले इस धरती पर ऐसे कई सारे क्रिएचर्स रहते थे जो आज इस धरती पर मौजूद नहीं हैं। जब आज उनके फॉसिल्स, ढांचे और कंकाल मिलते हैं तो हमें समझ आता है कि वह कितने विशाल हुआ करते थे, और अगर आज वह धरती पर मौजूद होते तो इंसान कभी जन्म ले ही नहीं पाते। और अगर इंसान अस्तित्व में आ भी जाते फिर भी उन दैत्यों के सामने उनका सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक क्रिएचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे लंबे सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशाल काय होते हैं जो किसी बकरी या हिरन को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से कई गुना ज्यादा विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, और इसी वजह से इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो यह माना जाता है कि डायनासोर के काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर उल्कापिंड गिरने की वजह से मारे गए थे, लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा करके सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। यह इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल सकता था। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में यह दैत्य रूपी जीव आज भी जिंदा है। माना जाता है कि यह सांप करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता था। माना जाता है कि टाइटेनोबोआ सांप का वजन करीब 1000 से 1500 किलो के आसपास होता था। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवांश मिले। इसकी जब ढांचों की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह सांप की लंबाई करीब 42 फीट और वजन 1100 किलो के करीब रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशालकाय सांप का नाम आखिर टाइटेनोबोआ ही क्यों रखा गया। दरअसल इस सांप का नाम टाइटेनिक जहाज के नाम पर रखा गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ भी टाइटेनिक जहाज की तरह विशाल था और अपने काल में मौजूद सभी सांपों में सबसे बड़ा था। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अमेजन नदी इतनी बड़ी और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे किसी सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अमेजन जंगल और यह नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाता है। एक बार नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए अमेजन नदी में इसी तरह के एक विशालकाय सांप की फोटो भी ली थी, जो अभी आपको वीडियो में शो हो रही होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी अमेजन के जंगलों में, अमेजन के नदी में यह सांप जिंदा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।